दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा थोड़ी वेली हो गई, थोड़ा सा फ्री थी बिकॉज़ अभी मेरा मुझे दहलीज ने बोला कि आप हमारी दहलीज पे अभी आप लौटना, तो मुझे थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ब्रेक दिया कि टू बी विद माई सेल्फ एंड टू एन्जॉय माई कंपनी विद माई सेल्फ। तो मुझे लगा कि मेरे जो जो मेरे जो चाहने वाले हैं वो भी मेरी तरह गर्मी में थोड़ा सा परेशान हो ही रहे होंगे, तो मैं क्यों ना उनके साथ अपनी जो अच्छी 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 जो जो समझ को लेके टिप्स है वो शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा एक फन फन सा शूट है वो आई एम डूइंग दिस टू जस्ट टू शेयर थोड़ा थोड़ा माई स्टाइल और थोड़ा थोड़ा टिप्स अबाउट समर्स। मुझे एंजॉय दिस शूट इट्स फन, इट्स नाइस एंड ऑब्वियसली यहाँ पे तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली, सो इट्स अच्छा है, इट्स गुड, कुछ आई एम लाइकिंग इट। अपने हेयर स्टाइल के बारे में, मेकअप के बारे में बताएंगे, वो इतना नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी जब करीना कपूर के गाने बजते हैं ना तो आई लाइक इट ऑल द मोर, तो मैं तो बोलती हूँ हाँ करीना कपूर के गाने गाने लगाओ, तो फिर अपने आप ही ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं। हाँ तो मेकअप, ओके, तो मेकअप है तो आप लाइनर मत लगा के सिर्फ मस्कारा के साथ खेल सकते हो, और आप यहाँ नीचे जैसे मैंने लगाया है नीचे आप लाइनर लगा सकते हो आँख के नीचे, उससे आपकी आँखें बड़ी भी लगेंगी। और काजल अगर नहीं लगाना तो आप वाइट पेंसिल लगा लो, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा सकते हो आप आँखों के नीचे और उसके साथ खेल सकते हो। और हाँ बाल जो है ना, आई नो कि कभी कभी रोज़ धोने का मन नहीं करता तो उसको ग्रीसी हो जाते हैं, तो उसको बस पाउडर लगाओ और उसको ऐसे करो पीछे करो और वो सारा जो ऑयल है सब कुछ ऐसे चला जाता है। एंड जस्ट टीज योर हेयर अ बिट, टीजिंग योर हेयर इज़ ऑलवेज गुड। यहाँ पे लोग इंडिया में यूजली बैक कोमिंग कहते हैं, बट उसका वर्ड एक्चुअली बैक कोमिंग नहीं है, इट्स कॉल्ड टीजिंग योर हेयर। तो क्योंकि बैक कोमिंग जैसे ही आप बोलो तो लगता है कि बैक कोमिंग, ओ माई गॉड बाल खराब हो जाएंगे, तो वो बैक कोमिंग नहीं होता, इट्स इट्स कॉल्ड टीजिंग योर हेयर। तो अगर आप थोड़ा सा भी करोगे ना सिर्फ हल्के से बाउंस के लिए तो वो आपके बाल खराब नहीं करेंगे, वो अच्छा ही लगता है। मैं खुद करती हूँ एंड अभी तक टच मेरे बालों को कुछ नहीं हुआ है। कॉस्ट्यूम जो मैंने पहना है फॉर ऐसे ही अगर आपको ऐसे बाहर कुछ ऐसे नॉर्मल पार्टी या लाउंजी सीन के लिए जाना, मतलब नॉर्मल ऐसे चिल आउट सीन के लिए बाहर जाना है तो ये वाला जो है वो अजूली का है। द ज्वेलरी इज़ बाय मिनराली एंड माई हेयर इज़ डन बाय निक्की चावला। एंड मेरी प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो आप मुझे देख रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, वो लव लव इस रानी इज़ शूटिंग मी ऑन इट। एंड जो मेरा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है वो तो आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम किसका है वो मैं बाद में बताऊँ ना, दैट आई एम अ एडमायरर, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। आई रिलेट टू हर अ लॉट, मुझे जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने आप को देख रही हूँ, एंड आई नो कि ऐसा हर लड़की को लगता है, लेकिन मैं वो हर वैसी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइनली मेरे मेरे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे खुद में जो कि बहुत सिमिलर है उनके साथ। तो जो जो मैंने उनका ऑफ स्क्रीन उनका बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द सीन्स देखा है और जो ऑन ऑन कैमरा देखा है, जैसे जब भी मेट का उनका कैरेक्टर, दैट इज़ टोटल हुनर हाली इन रियल लाइफ वो कैसी है। और जो मैंने उनका बिहाइंड द कैमरा जो जो उनका मैंने देखा है तो दैट ऑल्सो इज दिस टू मच ऑफ हुनर इन इट ऑल्सो, सो दैट इज़ वाई आई लाइक मेरा भी जो जो आप अगर मुझे देखेंगे जैसे जैसे मैं अब जैसे ये हो गया मेरा जो बाल रखने का स्टाइल है, शी ऑल्सो कीप्स अ हेयर लाइक दैट, तो ये भी बहुत बहुत सिमिलर है। इट्स नॉट कि मैं ऐसे कॉपी करके करती हूँ, बट ऐसे होता है ना कि आपको ऐसे भगवान ने बना दिया, ठीक है, और जब बना दिया तो फिर उसके बाद आप सडनली ऐसे घर पे बैठ गए, अच्छा जब भी मैं रिलीज़ हो रही है, अच्छा ठीक है ओके फाइन, तो आप जाते हो वहाँ पे पिक्चर देखने के, जब भी मैं ये तो
ये तो बिल्कुल ऐसे ही कर रही है जैसे मैं हूँ, तो फिर आप फिर उसके बाद आप कुछ ऐसे देखते हो कि यू नो बिहाइंड द कैमरा, जब आप जैसे अभी आप मुझे बिहाइंड द कैमरा शूट कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं तो आप उनकी इंटरव्यूज़ देखते हो, तो उसमें होता है ना कि आप एक इंटरव्यू था देखते हो कि अरे इसमें तो आई कैन सी माई छवि, यू नो दिस इज़ एग्जैक्टली जैसे मैं, तो इसीलिए मैं उनके साथ बहुत रिलेट करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स वेरी सिमिलर है ना, मैं वही दिमाग में चल रहा हूँ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, पानी पीते रहो, बहुत बहुत ज़्यादा पानी पियो, उससे आपका स्किन भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाओ। मैं इतने ज़्यादा फ्रूट्स, मतलब मुझे सब नहीं पसंद, मैं वाटरमेलन बहुत खाती हूँ, बिकॉज वाटरमेलन मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी वाटरमेलन बहुत बहुत ज़्यादा खाओ, ठंडा भी होता है तो इट कीप्स यू हाइड्रेटेड फॉर समर्स के लिए, और नारियल पानी पिया करो, नारियल पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, दही ज़्यादा खाओ, दही इज़ वेरी गुड, मिल्क प्रोडक्ट्स जितना ठंडा यू कैन हैव ना, लस्सी, ओहो हो लस्सी तो पियो ही पियो, अब मैं सरदार नहीं हूँ तो लस्सी की तो बात मैं ना करूँ वो हो नहीं सकता, सो और कॉटन यू कैन वेयर कॉटन के कपड़े, और लाइट लाइट कलर के कपड़े पहनो, तो वो इट मेक्स यू फील ऑल्सो वेरी कूल। I love you so much. I love all of you a lot. And thank you so much for giving me so much of love. Hamesha, hamesha, hamesha. Aur please, aap zarur, aapko main thank you bolungi. Aap Jaya ko bhi pasand kar rahe hain, jaise aapne mera har kirdaar pasand kiya hai. And haan, thank you, aap Delhi dekhne ke liye. And dekho, dekho, zarur dekho, 10:30 baje aata hai Star Plus pe. And filhal to Hunar Hali, isko dekho. हाँ, कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मेहना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे रब्ता, कुछ तो है तुझ सेरा माफता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझ सेरा माफता।